न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा किसको अप्लाई करना चाहिए? आपने देखा होगा कि करंटली आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा कि न्यूजीलैंड को करंटली बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि न्यूजीलैंड की सक्सेस भी अच्छा है एज कम्पेयर टू कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सो क्यों आज की डेट में प्रमोट किया जा रहा है न्यूजीलैंड को, एंड आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखो हर कोई सोचता है कि यार मैं अप्लाई तो देखो कोई भी कर सकता है, बट मेन बात है कि वीज़ा। तो आप भी सोचते हो कि यार टाइम और पैसा खराब ना हो, हम न्यूजीलैंड की होप लेके अप्लाई करें और क्या पता बाद में रिजेक्शन आ जाए और हमारा पैसा तो खराब होगा ही, टाइम भी खराब हो जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा सारी मेन चीज़ें इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आप सोच रहे हो न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने, एंड शुड यू अप्लाई और नॉट। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैनेडा लगा लो, कैनेडा का अगर हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं में हमसे मांगा जाता है ट्रैवल हिस्ट्री। मांगते नहीं है वो, बट इंटरनली वो बता देते हैं कि यार तुम्हारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं, इतनी दूर आप सीधा कैनेडा आना चाहते हो। तो यूके अप्लाई कर लो सेम चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लो, अमेरिका अप्लाई कर लो सेम चीज़ है, वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगते ही मांगते हैं। क्या अभी न्यूजीलैंड ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मांग रहा? क्या आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड? करंटली अगर हम सक्सेस रेट को कंसिडर करके बात करें तो यस, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आ रहे हैं, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नथिंग, कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड के फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आ रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है कि आपकी प्रोफाइल मैं बताना चाहूँगा, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा शुड यू अप्लाई और नॉट। पहली बात तो जब हम अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, आपको पता होता है कि एक तो टाइज टू इंडिया होना जरूरी है यार। टाइज टू इंडिया क्या हो गया? अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ और बच्चा, अगर आप मैरिड नहीं हो तो ना आपकी फैमिली, मदर फादर हो जाते हैं, आपके नाम पे जमीन है कोई, आपके पास बिजनेस या फिर जॉब है कोई, ठीक है जी, प्रॉपर्टी हो जाती है, सी रिपोर्ट में आप दिखाते हैं करोड़ की प्रॉपर्टी है यार मेरे पास, तो ये एक टाइज टू इंडिया है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल फंड 5 से 10 लाख आपको शो करना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे देखो कई केसेस में क्या सुना है मैंने कि वो 3-4 लाख शो कर देते हैं, अरे यार इतना तो एक्सपेंसेस में ही निकल जाएगा, और जरूरी थोड़ा है कि हमने 3-4 लाख ही शो करना है और उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये मैंने जोड़ा हुआ है, ये मेरी सेविंग है जब से मैं बिजनेस स्टार्ट किया, जब से मेरी जॉब है। तो आप वो सारी की सारी आप 10 दिन या फिर 5 दिन के पर्पज पे जो हम चाहते हैं कि आप उस पर उड़ा दोगे वो सारी की सारी आपने 3-4 साल लगा के जो सेविंग की है। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख कम से कम शो करो। उसमें हम कह देते हैं वीजा अफसर को बजट बना के कहते हैं कि यार मैं इसका 50% जो करूँगा कि मेरा ड्रीम है एक न्यूजीलैंड घूमना, सो 50% इसमें यूज़ करूँगा, स्टिल मेरे पास 50% पीछे रह जाएगा, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी आती है। ये नहीं होता कि 5 लाख खर्चा गया तो 5 लाख ही शो करो, उसके बाद घर आके देखेंगे इनकेस अगर आपको इमरजेंसी नीड पड़ गई वीजा अफसर भी होता है। सो ये चीज़ें, उसके बाद आपका टाइज टू इंडिया भी हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया, जॉब और बिजनेस। अगर आपके पास जॉब है उसकी सैलरी अकाउंट में लेनी स्टार्ट करो, एंड उसके अगर आप जॉब पे दिखाते हो ना न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हो, देन आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर नहीं चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए होता है, एंड एक आपको चाहिए होता है कि लीव एब्सेंस लेटर, ठीक है जी। उसमें होते ये डेट्स मेंशन होते हैं कितनी सी डेट से लेकर कितनी देर तक हमने इनको छुट्टी दी है, उसके बाद जाके जॉब है जो ज्वाइन करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंगली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एमएसएमई तो चलो हो गया बट स्टिल आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंगली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, उस करंट अकाउंट में अच्छी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ये ना हो कि आपकी ट्रांजैक्शन इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि तो बिजनेस में करंट अकाउंट हम तभी खिलाते हैं जब हम कहते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है दैट्स गुड, बट उसमें ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, बिजनेस आपके बिजनेस के ऊपर लगा रहे हो, करंट अकाउंट नहीं है, देन सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है करंट अकाउंट होना चाहिए। तो सेविंग में भी आप थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, मीडियम है। नेक्स्ट बात, फंड मैंने आपको बता दिया कि 5 से 10 लाख आपने शो करना ही करना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो चलो एक रिक्वायरमेंट होगी थी 2 साल की ITR वगैरह, ये तो आपको पता ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये लगती है। उसके बाद मेन चीज़ ये बताऊंगा कि मैं आपको कि कनाडा हो गया यार, कनाडा में भी हमें थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ती है। जो न्यूजीलैंड है ये एक इंग्लिश कंट्री है, डॉलर है, आप इसमें अगर आप चाहते हो कि आप कनाडा जाना टारगेट कर सकते हो, करना चाहते हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूजीलैंड से स्टार्ट करो, फ्रेश पासपोर्ट पे वहाँ पे वीज़ा मिल रहा है। तो न्यूजीलैंड का यार एक वीज़ा लो, वहाँ पे घूम कर आओ, थोड़ा बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा न्यूजीलैंड की, क्योंकि आपको पता है कि वो ये डेवलप्ड कंट्री है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी। उसके बाद आपकी एक अच्छी बात है को
इंग्लिश कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी, क्योंकि आपके एटलीस्ट जाना कैनेडा ही है, बहुत इंग्लिश कंट्री है, तो आपकी इंग्लिश कंट्री की एक ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी जो कि बहुत ही अच्छी है। खर्चा कोई नहीं है उसका, ठीक है, बहुत ही कम फीस है। आप कॉन्टैक्ट करो, आपको सारा बता दिया जाएगा कितना बजट है, कोई 50,000 खर्चा नहीं, कोई 40,000 खर्चा नहीं, बहुत ही कम खर्चा है। उस खर्चे में आप अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा आने के बहुत ही अच्छे चांस रहेंगे। देखो गारंटी तो किसी केस में नहीं होती, सो गारंटी अगर आप गारंटी लेके चलोगे यार, गारंटी तो आपको किसी केस में नहीं मिलेगी। बट हम बताते हैं एज पर ट्रेंड, यूके का लगा लो, यूके का भी ठीक ट्रेंड है। सो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा ट्रेंड है। दैट्स व्हाई मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं दी, आपको न्यूजीलैंड का अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, एक तो फ्रेश पासपोर्ट पे वहाँ पे हमें वीज़ा भी मिल रहा है। उसके बाद अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, दैट्स गुड थिंग यार, फिर तो आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा आने के बहुत ही अच्छे चांसेस हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आप कंसर्न हो कि यार क्यों पैसा खराब करना किसी और जगह जाके, सीधा न्यूजीलैंड आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पहले ही बड़ी कंट्री में जाओ। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है यू कैन अप्लाई, बट टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में डिफरेंस यही होता है। विजिटर वीज़ा हम तब कहते हैं कि जब हमारे पास एक इनविटेशन लेटर हो, हमने विजिट करना जाना है किसी बात में। टूरिस्ट वीज़ा हम कहते हैं कि जब हम टूरिज्म पर्पस पे जाते हैं कोई चीज़ें घूमने के लिए। सो न्यूजीलैंड का मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि यार सारा डिपेंड है प्रोफाइल पे भी नहीं करता, जो आपकी फाइल लगाता है वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है वीज़ा ऑफिसर को, कैसे बजट बना के दिखा रहा है, कैसे आपका लाइक इवन जब मैं एप्लीकेशन करता तो मैं लाइक आप कह रहे हो कि मैंने 10 लाख फंड शो करो, तो 10 लाख को हम कन्वर्ट करके भी बताते हैं वीज़ा ऑफिसर के लिए, सिंपल रख रहे हैं कि उसको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े कि इतने मेरे अकाउंट में है, इतने उसके न्यूजीलैंड के लाइक अगर हम बात बताएं न्यूजीलैंड डॉलर में कितने डॉलर्स की मेरे पास ज़मीन है, इतने डॉलर मेरे फंड पड़े हैं, इतना $3 की मेरी सैलरी है, तो उसको कन्वर्ट करके बताया जाता है। उसके बाद वो पूरा बजट बना के दिखाया जाता है, उसके लिए सिंपल रहे। एक तो होता है कि सीधे डॉक्यूमेंट लगा दो, एक होता है कि डॉक्यूमेंट लगाओ और उसके साथ में क्लेरिफिकेशन भी करो। सो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में जो क्वेश्चन आएगा उसका पहले ही हमने आंसर करके रख दिया। सो वीज़ा ऑफिसर पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। यही चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर भी आपका ट्रस्ट है यू कैन अप्लाई, बट मेक श्योर कि आप अपनी फाइल को खुद पहले चेक करें। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगी तब वीज़ा ऑफिसर कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। हमारे केस में क्या होता है कि हम पहले सारी फाइल कंप्लीट बना के पहले एप्लीकेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उसको शो करते हैं, सारी ट्रांसपेरेंसी हमारी प्रायोरिटी होती है कि वो पहले अपनी सारी प्रोफाइल पढ़े, उस पर देखे कि इन केस, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, कई बातें एप्लीकेंट भी बताते हैं कि यार ये चीज़ भी एड ऑन होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप उसको पहले खुद रीड करें, खुद देखें, हमेशा इतना ट्रस्ट मत करिए कोई भी ट्रैवल एजेंट पे। सो आपको पता चलेगा कि आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सो आपको पूरी जानकारी होगी। सो उस केस में आपके वीज़ा आने के चांस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी इंटरफेरेंस होती है आपके फाइल में। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, न्यूजीलैंड या फिर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर किसी भी कंट्री में जाने का आपका प्लान है टूरिज्म के लिए, स्टडी वीज़ा, जो भी आपका क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा ऑफिस दूरी सिटी में है, होपफुली सून आपके शहर में भी ओपन हो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यानी यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, आप मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं एंड आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दूरी लोकेशन में, गूगल मैप पे अवेलेबल है, यू कैन विजिट अस एनी टाइम। मैं मंडे टू सैटरडे ऑफिस में हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है पूरी प्रोफाइल लेके आप विजिट करके हमारे साथ डिस्कस करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।